हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि इस तरीके का बोर्ड आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके का, हमारे पास सॉकेट है क्लिक का, हम उसको इस तरीके से हम फिट कर लेंगे। और यहाँ पर स्विच है, हम इसको फिट कर लेते हैं पहले। और साथ ही साथ हम इसका वायरिंग के भी बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके का, हमारे पास स्क्रू है, हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। और इस तरीके से हमारे पास एक चूड़ी है, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पर टाइट कर देंगे। देख सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से टाइट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्क्रू है, उसको भी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ से इस तरीके से हम लगा लेते हैं इसको भी। और इसी तरीके से हम बाकी जो स्विच है और सॉकेट है उसको भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लग चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसको भी लगा लेते हैं, एक स्विच है इस तरीके से यहाँ से, और एक यहाँ से लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको फिट कर लिया है। अब हम आपको इस तरीके से इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको पीछे कर लेते हैं। और इस तरीके का हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर को देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा दो स्विच है, दो स्विच बीच में लगा है यहाँ पर, जो दोनों है ये हमारा स्विच है। और इसको हम आपको वायरिंग करके बताते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से इसको छील लेंगे। और ये दोनों वायर में, सॉरी, जो स्विच है उसका इन दोनों पिनों में लगा लेना है इस वायर को। इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ से इसको टाइट कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको देख सकते हैं लगा लिया है। और यहाँ से इसका वायर जो है कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसका एक वायर निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ से एक वायर लेते हैं, यहाँ से एक वायर लेते हैं, यहाँ से यहाँ देंगे। यहाँ से यहाँ के लिए डाल देते हैं एक वायर को। तो देख सकते हैं 5 इंच सॉकेट है हमारा ये वाला। तो यहाँ से हम यहाँ पे देंगे, राइट में हमेशा देते हैं। और यहाँ का जो कनेक्शन यहाँ पे न देकर हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर लिखा भी रहता है, हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये 5 इंच हमारा, और यहाँ पर एल करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर एन करके। एन का मतलब होता है न्यूट्रल, और एल का मतलब होता है फेस। तो हम फेस को देख सकते हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर एल लिखा हुआ है। तो हमारा ये जो फेस लाइन है, जैसे हम बटन चालू करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। तो ये हमारा फेस हो गया। और एक और लगा लेते हैं यहाँ से। यहाँ से इस वाले में देना है हमें इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमारा जो यहाँ से फेस लाइन जाएगा यहाँ से ऐसा होते हुए,
और ये जो है यहाँ से बटन चालू करने पर सप्लाई जो है यहाँ पर रख देगा जो सीधा है, यहाँ से ऐसा करके यहाँ पर सप्लाई देगा जो सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एल लिखा है जहाँ पर फेस लाइन आता है और न्यूट्रल है, और यहाँ का ये न्यूट्रल है, तो दोनों न्यूट्रल को हम आपस में जोड़ देते हैं। न्यूट्रल हमेशा आपस में जुड़ा हुआ रहता है और न्यूट्रल में कोई करंट नहीं रहता है। इस तरीके से हम इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। न्यूट्रल के लिए हम यहाँ से एक नीला वायर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हमने इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप जो है, देख सकते हैं यहाँ से हमने फेस दिया है, यहाँ से हमने फेस दिया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जैसे आप बटन चालू करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही यहाँ से आप बटन चालू करेंगे, यहाँ से आपका पाइपिन में ए प्लग में आपका जो है लाइन फेस जो है जाएगा, और यहाँ से आपका जो एक नीले का वायर है वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल जो है ऑटोमेटिक डायरेक्ट रहता है, इसमें किसी प्रकार का स्विच वगैरह नहीं लग रहता है। यहाँ से यहाँ पर इसमें छूने पर भी इसमें कोई करंट नहीं रहता, ठीक है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं आप यहाँ से चालू करेंगे, इसमें जो है सप्लाई आएगा इस तरीके से यहाँ पर आएगा। और अब हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है और देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कोई लाइन नहीं आ रहा है। जैसे हम बटन चालू करेंगे यहाँ पर लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो है फेस लाइन है, और यही जो है हमारा जो है सीधा रहता है। इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो घर में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले में आएगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है। तो हम आपको लाइट जो है लगा कर चालू करके दिखाते हैं। इस तरीके का हमारे पास एक बल्ब है, होल्डर है, सॉरी होल्डर है, और इसमें हम इस तरीके का लाइट लगाते हैं और हम आपको यहाँ पर चालू करके दिखाते हैं। तो हमारा वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।